सुखावाद में मानव सेवा समिति की तत्वाधान में 41वीं श्री राम कथा के आयोजन पर भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ दिनांक 13 से 21 सितंबर तक साथ जयप्रदात दीदी बरसाना के अमृतवाणी से मानव सेवा सदन मेला वाला बाग में कथा का श्रवण कराया जाएगा। सुखावाद में मानव सेवा समिति के तत्वाधान में श्री राम कथा के शुभारम्भ पर भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गयी, जो रीठरा वाले मंदिर से प्रारम्भ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अरविंद पालीवाल ने श्री राम जी के डोले की आरती एवं तिलक वंदन व माल्यार्पण कर भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस भव्य कलश यात्रा में 151 सौभाग्यवती महिलाएं सिर पर कलश धारण कर बैंड बाजों की मधुर धुन पर नाचते गाते चल रही थी। इस बंद कलश यात्रा में मुख्य आकर्षक का केंद्र रही हनुमान एवं बंदरों की सेना की झांकी। श्री रामचंद्र जी का डोला एवं श्री कृष्ण जी के डोले के बीच हनुमान एवं बंदरों की सेना की झांकी आकर्षक का केंद्र रही। भव्य मंगल कलश यात्रा बांके बिहारी मंदिर रीठरा वाले से शुभारंभ होकर बैंड बाजों की मधुर धुनों एवं बड़ा बाजार होते हुए स्टेट बैंक चौराहे एवं नारायण तराई होते हुए मेला वाले बाग श्री मानस भवन पर जाकर विश्राम किया। देखिए फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। श्री मानस सेवा समिति का 41वां वार्षिक प्रोग्राम आज प्रारंभ हुआ। इसी कलश यात्रा बड़े बाजार रीठरा मंदिर प्रारंभ होकर के मानस भवन मेला वाले में समापन हुई और कल से रामकथा प्रारंभ होगी। 13 तारीख से 21 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक इसकी की वक्ता होंगी साध्वी जय प्रिया बरसाने वाली। इनकी रामकथा कल 13 तारीख से 1 बजे से 5 बजे तक होगी। सभी लोगों को आमंत्रित है, सभी लोग आएं और प्रभु का आनंद तथा पाएं। जय श्री राम। राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। श्री मानव सेवा समिति सुखावाद द्वारा 41वीं श्री राम कथा का आज मंगल कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा रीठरा वाले मंदिर से प्रारंभ होकर और मानस पीठ मेला वाले बाग पर इसका विश्राम हुआ। कलश यात्रा में आज लगभग 151 सौभाग्यवती महिलाओं ने कलश में सम्मिलित हुई और कल यानी दिनांक 13 सितंबर से रोज 1 से 5 बजे तक नित्य कथा का कथा वाचन होगा और कथावाचक सुश्री साध्वी जयप्रिया जी बरसाना धाम से पधारेंगी, जो कि हम सबके मत नित्य 1 से 5 कथा का रसा सदन कराएंगी। मेरा समस्त भक्तजनों से, सभी संतजनों से, सही धर्मप्रियों से ये विनम्र अनुरोध है कि वो नित्य कथा का श्रवण करें और तन मन धन से अपना श्री मानस सेवा समिति को सहयोग दें। सादर जय श्री राम।